तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ मार्केट के अंदर आने वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। टेक न्यूज जानने के लिए वीडियो के अंदर बने रहे। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी एस अल्ट्रा 24 लॉन्च करने वाला है। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 का चिपसेट होगा या फिर एक्सिनॉस 2400 प्रोसेसर भी हो सकता है इसके अंदर। साथ ही यूजर को पहले की तरह एस पेन भी मिलने वाला है। साथ इस फोन के अंदर 8GB तक का रैम मिलने वाला है और 512GB तक का स्टोरेज मिलेगा। और ये फोन अलग अलग वेरिएंट के अंदर भी लॉन्च हो सकता है। 6.8 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे काम करेगा। दोस्तों फोटोग्राफी के लिए भी एक फोन अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। 50 MP का टेलीफोटो मिलने वाला है। साथ में 200 MP का प्राइमरी सेंसर होगा। साथ ही 12 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलने वाला है और 10 MP का आपको लेंस मिलेगा इसके अंदर। मतलब टोटल 4 कैमरे मिलने वाले हैं। मतलब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक अच्छा फोन होगा आपके लिए। साथ ही इस फोन के अंदर 5000 mAh बैटरी मिलने वाली। इसको चार्ज करने के लिए 45W का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर भी आपको मिलने वाला है। कंपनी इसके अंदर और भी बहुत सारे अपग्रेड करने वाली है। साथ में इसके और एक टेक न्यूज आई है वीवो के तरफ से। वीवो अपना वीवो V29e मोबाइल लॉन्च करने जा रहा है। इसका कीमत 25,000 से लेकर 30,000 रुपए तक का होगा। अभी तक उन्होंने अनाउंसमेंट डेट बताया नहीं है कभी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। पर दोस्तों इस फोन के मैं खास बात आप लोग को बताता हूँ। इसके अंदर 3D कर्व डिस्प्ले मिलने वाला, 120Hz रिफ्रेश रेट पे ये काम करता है। साथ में इसके फोन के अंदर 64 MP का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है आपको। 50 MP का आई ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी भी दिया है इसके अंदर। साथ ही इस फोन के अंदर अच्छे परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने मीडियाटेक डायमेंसिटी 7000 चिपसेट लगा रखा है। 8GB इसके अंदर आपको रैम मिलेगा, 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है और इस फोन के अंदर आपको वर्चुअल रैम भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके पावर बैंक की अगर हम बात करें तो 4600 mAh की बैटरी मिलने वाली। इसको चार्ज करने के लिए 80W का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर आपको मिलने वाला है। दोस्तों आज की तीसरी टेक न्यूज आ रही है Xiaomi की तरफ से। Redmi Note 13 सीरीज ये लॉन्च हो सकता है जल्दी, इस पे काम शुरू हो चुका है। आपको फोन कुछ मिलने वाला है Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 Pro Plus, ये आपको ऐसे 3-4 मॉडल आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों इस फोन के अंदर फोटो क्लिक करने के लिए कंपनी इसके अंदर 200 MP का प्राइमरी सेंसर लगा रखा है। साथ ही इसमें आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा और 2 MP का माइक्रो लेंस या डेप्थ लेंस आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही अच्छे परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200+ का चिपसेट देखने मिलेगा। साथ ही अच्छे ग्राफिक्स के लिए 715 GB आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही इसके आपको 24GB तक का रैम मिलेगा। इसमें 16GB फिजिकल रैम होगा और 8GB वर्चुअल रैम मिलने वाला है। इसमें आपको 512GB तक का इंटरनल स्टोरेज भी मिल सकता है। दोस्तों फोन के पावर बैकअप के लिए 5000 mAh की बैटरी लगा रखी है कंपनी ने। इसको चार्ज करने के लिए 120W का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर भी दिया है कंपनी ने। साथ ही आपको इस फोन के अंदर 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। 144Hz रिफ्रेश रेट पे ये काम करता है। 2600 nits ब्राइटनेस भी आपको मिलने वाला है इसके अंदर। तो 2600 nits बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होता है, इस हिसाब से इसका डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों एक और न्यूज निकल के आ रही है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरा जल्दी अपना नया फोन लॉन्च कर सकता है, मोटोरोला G84 5G। न्यूज के हिसाब से ये बजट फोन रहने वाला है। इस फोन के अंदर 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है। 120Hz रिफ्रेश रेट पे ये काम करेगा। साथ ही इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिप्स देखने को मिल सकता है। पर अभी तक इसके अंदर कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सा CPU लगेगा, मीडियाटेक लगेगा या क्वालकॉम लगेगा, पर ज्यादातर उम्मीद है क्वालकॉम CPU इसके अंदर लगने वाला है। साथ ही आपको इसमें 4GB और 8GB रैम मिलेगा, 128GB 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकता है। इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। 50 MP का मेन रियर कैमरा होगा, 8 MP का सेकेंडरी होगा, 2 MP का लेंस मिलने वाला है इसके अंदर और सेल्फी कैमरा 16 MP का होगा। इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। एंड्रॉइड वर्जन 13 के साथ ये लॉन्च होगा। अभी इसके अंदर कितना फास्ट चार्जिंग अडेप्टर होगा अभी तक इसका न्यूज तो नहीं मिला है। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। ऐसे टेक न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए रुकते भी।